हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कंटोला मसाला करी। अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है, कुछ जगह में इसको ककोड़ा भी बोलते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंटोला को अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें कंटोला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम तेल से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने कंटोला को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने सेम कढ़ाई यूज किया है, इसमें थोड़ा सा तेल रखा है। अब इसमें डालेंगे ये सारे खड़े मसाले। खड़े मसाले को हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। हमने एक बड़े साइज के प्याज को यहाँ पर लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना लिया है। सारे मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीज को अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम में हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। अब हम इसमें डालेंगे कंटोला। सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हम फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम गरम पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं मसाला करी का कलर बहुत ही सुंदर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। तो ये देखिए कंटोला मसाला करी हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी या फिर राइस के साथ खा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको मेरी सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।